जो है आपकी नाराजगी देखी गई प्रदेश सरकार से, सर क्या नाराजगी दूर हुई? नहीं, हमारी नाराजगी प्रदेश सरकार से नहीं थी, बल्कि हमारी नाराजगी थी जो गैस सिलेंडर, जो गैस के प्लांट लगाए थे ऑक्सीजन गैस के, वो लोग जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन गैस नहीं देने का उन्होंने फैसला कर लिया था। इसलिए मैंने उस पर बोला था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर निर्णय लिया और फिर लोगों को गैस मिलने लगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर 300 ऑक्सीजन गैस के प्लांट लगा रहे हैं और प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी ऑक्सीजन गैस प्लांट लगेगा, सारे लोगों को चीज़ें मिलेंगी। योगी जी की सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 6 महीने तक के बच्चों के लिए अलग मेडिकल किट और 6 से 3 साल के बच्चों के लिए अलग, 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अलग मेडिकल किट दिया है। निगरानी समिति बनाकर आशा बहू, आंगनबाड़ी वर्कर और ये जो गांव पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं इनको और फिर टीचर को मिला करके निगरानी समिति बनाई है कि कोई भी किसी को बुखार दिखा जाए तो उनको एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उन्हें दवा दी जाए। और एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति अब कोरोना की वजह से उसकी जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमने बड़ा नुकसान झेला है। हमारे 6 विधायक कोरोना की वजह से लोगों की सेवा में करने में ख़त्म हुए और कई मंत्री भी हमारे ख़त्म हुए लोगों की सेवा करने में, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के नेता कोरोना के इस पीरियड में कोई निकल करके बाहर नहीं आया, ना किसी की मदद किया और अब वो बेवजह की जातिवादी कमेंट करने का काम कर रहे हैं और जनता की मदद नहीं करने का काम कर रहे हैं, ना जनता की कोई सेवा करने का काम कर रहे हैं।